आज हम बनाने वाले हैं गाजर और हरे मटर की सब्ज़ी। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए हमने कढ़ाई में ऑयल गरम किया है। इसमें हम एक चम्मच खड़ा जीरा डालेंगे। फिर आधे मिनट बाद इसमें हम कटा हुआ प्याज डालेंगे और प्याज के नरम होने तक इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक और लहसुन डालेंगे। इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। दो मिनट बाद इसमें हम एक हरी मिर्च डालेंगे, एक कटा हुआ टमाटर डालेंगे, मिक्स करेंगे। और इसे ढक कर टमाटर के नरम होने तक इसे पकाएंगे। ये देखिए टमाटर जो है वो अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हम सबसे पहले हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिर्च पाउडर डालेंगे, गरम मसाला पाउडर। फिर से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें हरा मटर डालेंगे और कट किया हुआ गाजर डालेंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे मिलाने के बाद इसमें हम टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। फिर से मिला लेंगे। इसे ढक कर 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 4 से 5 मिनट बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसे 8 से 10 मिनट तक ढक कर मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। 10 मिनट बाद हमारी सब्जी जो है वो अच्छे से पक चुकी है। इसमें हम कटा हुआ धनिया डालेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। गैस को ऑफ कर देंगे। हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। इस आसान सी मटर और गाजर की सब्ज़ी को आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।